हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल के दो काव्य संग्रह मेघ मेखाल और रेशमी रसिया का विमोचन किया। इस मौके पर प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध शख्स पर बात करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। वहीं गणतंत्र दिवस में सुरक्षा के इंतजामों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम सुचारू रूप से किए गए हैं, तय कार्यक्रमों के हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार हर फैसला जनविरोधी ले रही है, जिससे प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हुड्डा ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की आंदोलन में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक लड़ाई अहिंसक तरीके से जीती जाती है। साथ ही पूर्व सीएम ने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर अपनी जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा और सरकारी नौकरी उनके परिजनों को दी जाएगी। भिवानी में तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किरण चौधरी ने सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। किरण चौधरी ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का हल सरकार जानबूझकर नहीं निकाल रही है। अगर कृषि कानून लागू रहते हैं तो आने वाले समय में आम व्यक्ति की जेब पर 30-40% तक खाद्य पदार्थ की महंगाई का बोझ सीधे रूप से पड़ेगा। किसान आंदोलन में पकड़े गए लड़के का एक पुलिस हिरासत का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि किसानों ने उसे ये सब जबरदस्ती बुलवाया था। उसे दो दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, मारा पीटा गया और उसे कहा गया कि तेरी हत्या की जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जान बचाने के लिए उसने वो कहानी बनाई। किसानों ने कहा कि आप यदि ये कहानी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। शख्स ने बताया कि मेरे ऊपर कोई पहले का केस नहीं है, ना मैंने आज तक कुछ गलत किया है और मेरे से वो कहानी किसानों द्वारा कहवाई गई। आरोप युवक का है, लेकिन इसके द्वारा बताई गई इस बात की कहानी में भी कितनी सच्चाई है उसकी जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। हरियाणा पुलिस उसे दिल्ली में उसके मामा के घर भी लेकर आएगी, जहां से उसने बताया कि वो अपने मामा के घर से सोनीपत जा रहा था। सभी चीजों को पुलिस केस चेक कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश में चडूनी ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताओं और मंत्रियों का विरोध नहीं करना है। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए अगर हम नेताओं या मंत्रियों का विरोध करते हैं तो गलत संदेश जा सकता है। छब्बीस जनवरी पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान लगातार सिंघू बॉर्डर भी पहुंच रहे हैं। सोनीपत से भी भारी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान सभी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को साथ लेकर पहुंचे। कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर किसान मार्च की ओर से प्रस्तावित 26 जनवरी की दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को लेकर भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए।
ट्रैक्टर लेकर दिल्ली रवाना होते समय किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार तीन कृषि कानून लेकर आई है, जिनके विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी मांग है तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। कालानौर में किसानों ने शनिवार को ट्रैक्टरों के साथ जागरूकता रैली निकालकर दिल्ली कूच का ऐवान किया। रैली कालानौर के गुढ़ाना मोड़ से शुरू होकर मोखरा मार्ग, तहसील मार्ग से होते हुए पुराना बस अड्डा से होकर निकली। ट्रैक्टर रैली निकालने जाने के बाद रोहतक भिवानी मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस के जवानों ने तत्काल स्थिति को काबू में कर जाम को खुलवाया। इस मौके पर भाकियू के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र तोमर ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिल्ली में होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक करना है। क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली परेड में शामिल होंगे, जिससे सरकार को किसान की ताकत का अंदाजा होगा और सरकार तीनों काले कानून को वापस लेने पर मजबूर होगी। युवा से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार तीन कृषि कानून लेकर आई है, जिनके विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। किसानों ने कहा कि वो सरकार के किसी बहकावे में आने वाले नहीं है, सरकार के तीनों काले कानून रद्द करवा कर ही वापस घर आएंगे। किसानों का कहना है कि हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए पहुंच रहे हैं और 26 जनवरी को दिल्ली किसान मोर्चा की ओर से आयोजित ट्रैक्टर परेड में भाग लेंगे। पलवल के ओटाहा चौक पर चल रहा है किसानों का धरना। स्थल पर 52वें दिन किसानों ने हवन यज्ञ कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर सरकार से तीनों कानून को वापस लेने और एमएसपी पर लिखित में कानून बनाने की अपील की। फतेहाबाद में किसानों ने राज्य मंत्री के 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम का विरोध किया है। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्री अगर कहीं भी ध्वजारोहण करने जाएंगे तो उनका किसान विरोध करेंगे। इसी को लेकर शनिवार को इस संबंध में बैठक भी हुई। जानकारी देते हुए फतेहाबाद किसान सभा के नेता भगवान पाल ने बताया कि किसानों ने साफ तौर पर प्रशासन को कहा है कि अगर कोई राज्य मंत्री 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करता है तो वो शांति भंग होने की गारंटी नहीं लेंगे। बहादुरगढ़ बाईपास के लंगर स्थल पर दलाल खाप के किसानों ने एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रधान भूप सिंह ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि दलाल खाप के हर गांव से 100 से 200 के बीच ट्रैक्टर आएंगे, हर ट्रैक्टर पर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा लगेगा। चरखी दादरी में बाबा स्वामी दलाल धाम पर अनेकों खापों और सामाजिक संगठनों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर रणनीति बनाई गई। फोगाट 19 खाप के प्रधान बलवंत ने बताया कि गांव स्तर पर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान सुरक्षा के कारणों के चलते कई रूट डाइवर्ट किए गए। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर जानकारी दी। गुहाना के देवीलाल स्टेडियम में प्रशासन की ओर से पिछले कई दिनों से 26 जनवरी की तैयारियां की जा रही हैं। शनिवार को देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। इस दौरान गुहाना के तहसीलदार ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
कार्यक्रम के दौरान अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों ने पीटी परेड में भाग लिया। इस बार कोविड को देखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और अब की बार पिछले साल की अपेक्षा 5 स्कूलों को ही पीटी परेड में भाग लेने की इजाजत दी गई है। गणतंत्र दिवस से पहले सिरसा में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कोविड के मद्देनजर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। सिरसा के पुलिस लाइन में हर साल की तरह इस बार भी पूरी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तैयारी है, जिसको लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। फरीदाबाद में भी 26 जनवरी को लेकर रूट को डायवर्ट किया गया है। पुलिस ने सिकरी गांव के नजदीक से रूट डायवर्ट कर दिया है और सभी वाहनों को बाईपास रोड से निकाला जा रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जाबाजों को नमन करने के उद्देश्य से दिल्ली से चली विजय दिवस मशाल शनिवार को सिरसा पहुंचे। हिसार मिलिट्री स्टेशन से सेना अधिकारी और जवान विजय दिवस मशाल को लेकर सिरसा पहुंचे। सिरसा पहुंचने पर जिला सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारी कर्नल दीप डागर और उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मशाल का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला सैनिक बोर्ड परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त प्रदीप कुमार ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साइबर सिटी गुरुग्राम में ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों को आरटीए सचिव ने कड़ी चेतावनी दी है। ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग करने वालों से आरटीए विभाग ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम में आरटीए विभाग की टीम लगातार ओवरलोड वाहन और अवैध माइनिंग से जुड़े वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। विभाग ने बीते 3 महीने में तकरीबन 1,300 ओवरलोड वाहनों के चालान कर उनसे 6.50 करोड़ रुपए वसूले हैं। आरटीए विभाग ओवरलोड वाहनों और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई लगातार कर रहा है। वैक्सीन का टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, इसके लिए बड़े अधिकारी खुद वैक्सीन सेंटर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसीएस राजीव अरोड़ा करनाल पहुंचे और उन्होंने नागरिक अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी सेंटर पर वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। करनाल के सभी सेंटर पर टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, अभी हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी हेल्थ केयर को टीका लगेगा। हांसी उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 32वां सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र काद्यान मलिक और सिविल अस्पताल के डॉक्टर संदीप बुरा ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों और आम जनता को हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही सभी यातायात पुलिस कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। वहीं आम लोगों को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी गई। डीएसपी भगत राम ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के चलते जाट धर्मशाला स्थित ट्रैफिक पुलिस चौकी में डॉक्टर की टीम द्वारा फर्स्ट एड के बारे में जागरूक किया गया। भिवानी स्थानीय हुड्डा सेंट्रल पार्क के सामने मैदान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सचिव प्रादेशिक परिवहन और यातायात पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की स्कूटी मैराथन का आयोजन किया गया और वाहन चालकों को यातायात के नियमों की पालन करने की शपथ दिलाई। एसडीएम महेश कुमार और सचिव प्रादेशिक परिवहन अंग्रेज सिंह ने नागरिकों से यातायात के नियमों की पालन करने का आह्वान किया।
जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गोलाचिका में लड़ाई को के दौरान हुई बुजुर्ग की हत्या का मामला अब गरमाने लगा है। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने शहीद उधम सिंह चौक पर शौर रखकर जाम लगाया। परिजनों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर हत्या आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया है। स्थिति को काबू से बाहर देख डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अम्बाला कैंट बस स्टैंड पर उस वक्त बवाल हो गया जब आरटीए विभाग ने उन प्राइवेट बसों का चालान काट दिया जिनके कागजात पूरे थे, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स में खासी नाराजगी देखने को मिली। ट्रांसपोर्टर्स ने वो दस्तावेज भी दिखाए जिनकी कमी दिखाकर आरटीए विभाग ने निजी बसों के चालान करते हुए उन्हें इंपाउंड कर दिया। नाराज ट्रांसपोर्टरों ने इसे सीधे सीधे गुंडागर्दी बताया। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि जो बसें बिना टाइम टेबल के चलती हैं उन पर विभाग कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। अम्बाला में बिजली विभाग की लापरवाही सरेआम देखने को मिल रही है। शहर में हाई टेंशन तारें लटकती दिख रही हैं, वो दिखना आम बात हो गई है। बिजली की तारों का गुच्छा दुकानों और घरों के साथ लटकता देखा जा सकता है। वहीं पब्लिक पार्किंग एरिया में स्थित ट्रांसफार्मर की तारें भी लटकी हुई हैं। दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि बारिश और तेज तूफान में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। घरों और दुकानों की दीवारों में भी करंट आना शुरू हो जाता है। कई बार हमने इसकी शिकायत दी लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के लोग बीती 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल सरकार द्वारा वजीराबाद गांव की 4.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को दे दी गई है और उस पर भी अलग शमशान भूमि बनने जा रहा है, जिसका विरोध लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि गांव की इस जमीन पर यदि स्कूल, कम्युनिटी सेंटर या अस्पताल खोलें तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन गांव की भूमि पर शमशान नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार और डीएलएफ इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट नहीं करती है तो आने वाले दिनों में 360 गांव की एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की 3 फैक्ट्रियों में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये फैक्ट्रियां शुक्रवार रात को आग की चपेट में आ गई थी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कुछ कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। दोनों मृतक मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और आग लगने के दौरान एक दूसरे को बचाने की कोशिश में दोनों की मौत हो गई। बता दें कि शहर के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट बी में प्लॉट नंबर 1625 में सूख लग गई, जो 7 लकड़ी फैक्ट्रियों तक भी फैल गई। इनमें से एक फैक्ट्री में रबड़ वेस्ट का काम होता था, दूसरी फैक्ट्री में गत्ते का काम होता था और तीसरी फैक्ट्री में हेलमेट बनते थे।